रविवार की सुबह दिल्ली थर्रा उठी। रोहिणी के प्रशांत विहार में एक भयानक धमाका। सीआरपीएफ स्कूल के बाहर एक पल में सन्नाटा और अगले ही पल अफरा तफरी। कांच के टुकड़े हवा में तैरते हुए जमीन पर गिर रहे थे। चारों ओर धुआं का गुबार और सवाल, ये धमाका कैसे हुआ, कौन है इसके पीछे। दिल्ली की जांच एजेंसियां इस मामले में तह तक पहुंचने की जिम्मेदारी उठा लिए। हर एंगल से जांच हो रही है, क्या ये नक्सली हमला है या खालिस्तानी लिंक, कहीं पाकिस्तान से जुड़ा आतंकी तो नहीं या फिर किसी और की गहरी साजिश। पिछले कुछ समय से नक्सलियों पर की गई कार्रवाई से जांच एजेंसियां उन्हें शक के घेरे में ले रही हैं। लेकिन एक और एंगल खालिस्तान से जुड़ा, टेलीग्राम पर एक संदिग्ध पोस्ट भी वायरल हो रही है। दिल्ली पुलिस ने टेलीग्राम से संपर्क साधा है, क्या खालिस्तानियों ने दिया है धमाके को अंजाम। आखिर इस धमाके से क्या संदेश देना चाहता था जिसने भी इस धमाके को अंजाम दिया, वो अभी तक सामने नहीं आ पाया है। इसलिए एजेंसियां लगातार हर एंगल से, जिसमें चार महत्वपूर्ण एंगल है, सबसे पहला जो खालिस्तानी जिसको लेकर के दावे भी किए गए सीसीटीवी डाल करके सोशल मीडिया पे जो वायरल है, इसके बाद जो दूसरा एंगल है वो नक्सल, क्योंकि सीआरपीएफ के स्कूल के बगल की दीवार पे ये धमाका हुआ। तीसरा जो पाकिस्तानी बेस, जो तमाम जो आतंकी संगठन है जिन्होंने पाकिस्तान में अपना बना रखा है आधार, उनको कहीं वो तो इसके पीछे नहीं। और चौथे लोकल गिरोह, जो लोकल जो लड़के हैं जो टेरर ऑर्गेनाइजेशन से उनसे जुड़े हुए हैं, कहीं किसी स्लीपर सेल ने तो इस वारदात को अंजाम नहीं दिया। मौके से मिले कुछ अहम सुराग, कटे हुए तार, पेंसिल सेल, सफेद पाउडर, एनएसजी, एसएलएफ और अन्य एजेंसियां जुटी हैं सबूतों को जांचने में। इनका मकसद सिर्फ एक है, इस रहस्य की परतें खोलना। तो कोई टाइमर मिला, न बैटरी मिली, इस तरीके की कोई भी चीज नहीं मिली जिसकी वजह से यह पता लग सके कि उसे टाइम के हिसाब से फिक्स किया गया था। तो आखिर कौन लोग हैं इस धमाके के पीछे और क्या मैसेज देना चाहते हैं। एक और बड़ा सुराग, सीसीटीवी फुटेज में कुछ संदिग्ध चेहरे, क्या इन्हीं का हाथ है इस खौफनाक धमाके के पीछे। अब इन्हें पकड़ना है एजेंसियों का अगला कदम, क्या ये फुटेज खोल पाएगा इस धमाके का राज। सुबह 7:55 पर पुलिस को मिली थी पहली कॉल, एक तेज धमाके की खबर। सीआरपीएफ स्कूल की दीवार डैमेज, बारूद की महक और दूसरी तरफ दुकानों के टूटे कांच। गनीमत यह रही कि कोई जान का नुकसान नहीं हुआ। लेकिन धमाके के पीछे की कहानी अब एक गहरा रहस्य है। क्या ये मामला सिर्फ शुरुआत है, कौन है वो ताकतें जो दिल्ली को दहलाना चाहती है और कब सामने आएगा इस रहस्यमय धमाके का सच। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।